Hello everyone, welcome to the class. Good evening everyone. Welcome to NEET Voyage channel. और आज हम यहाँ पे NCERT reading या NCERT decode करने वाले हैं excretory products and its elimination chapter का. पिछले कई बारों से we have already discussed और re-read the chapters digestion, absorption, breathing and exchange of gases and body fluids and circulation and circulation. ये तीन चैप्टर की हम लोग ऑलरेडी NCERT डिकोड कर चुके हैं. आज हम फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन. सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन, गुड इवनिंग. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, हाँ जी, My name is Swagata Mukherjee and I have more than 5 years of teaching experience and I've been teaching zoology for more than 5 years now. So before I start, let me tell you कि आपकी प्लस कोर्स भी चल रही है मेरी बीट नीट बैच. ओके, बीट नीट बैच पे मेरी प्लस कोर्स चल रही है बच्चों, जो आपका फॉर 2021 नीट एस्पिरेंट्स के लिए है. एंड दिस बैच हैज बीन स्टार्टेड बाय ऑल द नीट वॉयज चैनल एजुकेटर्स. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट का ही यहाँ पे पढ़ाई होगा. पूरा फुल सिलेबस कराया जाएगा बिफोर योर नीट 2021. फॉर जूलॉजी, जो 6 बजे से आपकी क्लास होती है बच्चों जूलॉजी का. हेलो गरिमा, वेलकम टू द क्लास. हाँ जी, तो सब लोग लेके आए हो ना अपनी अपनी एनसीईआरटी. जल्दी से अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो. हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर. ठीक है, सो ज्वाइन द ग्रुप एज फास्ट एज पॉसिबल. जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग. ओके तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे इस टाइम डील कर रही थी. इस महीने बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर्स ही हो चुके हैं विद डिटेल्स, राइट. हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पे. एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो 21 तक खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट मंथ जनवरी में हम लोग और 3 चैप्टर्स करेंगे. अभी तक हम लोग 7 चैप्टर्स कर चुके, तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, राइट. सो येस, यू हैव टू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन टू कम टू द प्लस क्लासेस. बट अगर आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली कम एंड वॉच आवर फ्री सेशन, जो कि हमारा नथिंग बट योर स्पेशल क्लासेस है. बोथ आर लाइव क्लासेस, बट अगर लाइव क्लास मिस कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग. यू कैन इंटरैक्ट बेटर विद एन एजुकेटर देयर. कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप ड्यूरिंग द क्लास पूछ सकते हो. लाइव पोल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा अपना खुद का रैंक और आप अपनी प्रोग्रेशन को प्रॉपरली देख सकते हो. यू कैन ऑल्सो अटेंड मेनी मेनी टेस्ट सीरीज एंड येस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. तो आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द ऐप Unacademy Learning app. You have to click on Plus NEET UG and you can get the subscription of either 6 months, 1 year या फिर 2 year. You can also get 10% discount पूरे amount में से इस कोड को अप्लाई करने के बाद. यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है SWAGATA स्वागत, और यही आपका कोड है to get the discount. Right? You can also join the NEET Voyage channel's official Telegram group, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको जूलॉजी का डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, सो द नेम इज जूलॉजी बाय स्वागता, जो कि मेरा नाम है. यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर डाउट सेशन ऑफ जूलॉजी. Right, so guys, let's start with your NCERT decoding. I hope you all have brought your NCERTs. Details में यहाँ पे हर एक लाइन मैं पढ़ाने वाली हूँ, है ना. So let's start with the chapter excretory products and its elimination. Correct? We all know कि excretory system क्या है. कोई भी सिस्टम की अगर आप बात करो, एनी ऑर्गन सिस्टम दैट यू टॉक अबाउट, उसका मतलब क्या होता है कि कई सारे ऑर्गन एक साथ कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं. मेनी ऑर्गन्स टुगेदर आर डूइंग अ सिमिलर फंक्शन. जैसे कि अगर आप बात करो सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या देखते हो, सिर्फ हार्ट अकेला काम कर रहा है? नहीं, ब्लड वेसल्स है, लिम्ब वेसल्स है, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स की सर्कुलेशन कर रहे हैं. वैसे ही जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करो, यहाँ पे अकेला किडनी काम कर रहा है? नहीं, यहाँ ब्लड वेसल्स काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर काम कर रहा है, यूरेटर काम कर रहा है और यूरिथ्रा भी काम कर रही है. ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर आर परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर फेंकते हैं और क्यों फेंकते हैं. सो एज यू कैन सी हियर, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, uric acid and carbon dioxide, water and ions like Na+, K+, Cl-, phosphate, sulfate etc. either by metabolic activities, right? Or by other means like excess ingestion. आप खाने के साथ, जब आप खाना खा रहे हो तब इन चीज़ों को हो सकता है खा रहे हो, ले रहे हो खाने के साथ साथ, राइट? सपोज आपकी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिकल प्रोसेस चल रही है, जैसे आपने O2 आपके बॉडी के हर एक सेल को ज़रूरत होती है फॉर देयर मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़, तो आपने O2 को यूटिलाइज किया। O2 को यूटिलाइज करने के बाद आपकी सेल क्या करती है? योर सेल ऑलवेज गिव बैक वॉट नथिंग बट योर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है तो वो भी आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, करेक्ट? तो इन सब चीजों का अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ, दैट कुड बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन नहीं होगी। सो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड, या तो टोटली या तो पार्शियली। जैसे अगर आप अमोनिया ले लो, अमोनिया आपकी बॉडी बना रही है और उसे टोटली कंप्लीटली आपकी बॉडी से बाहर फेंकने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। तो आप क्या करते हो, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, और यूरियोटनिक। लेकिन यूरिया को आप पूरी तरह से बॉडी से बाहर नहीं फेंकते हो, है ना? थोड़ा बहुत यूरिया हम अपनी बॉडी में रख लेते हैं टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। थोड़ा बहुत यूरिया हम अपने बॉडी में रख देते, तभी यहाँ पे लिखा है पार्शियली। नाउ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस, कि कैसे आप इन चीजों को बाहर फेंकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल यूरिया हो, चाहे अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। वॉट आर द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एक बात बताओ, इनको हम नाइट्रोजीनस वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? वाई आर वी कॉलिंग दिस एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट? लेट्स सी दैट। क्योंकि आपके पास जो अमाइनो एसिड है, आई होप यू ऑल नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। आपको पता है ना अमाइनो एसिड में क्या होता है? देयर इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, देयर इज एन अमाइनो ग्रुप, देयर इज एन एल्काइल ग्रुप एंड देयर इज एन एच ग्रुप। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, they are always formed in the form of ammonia by deamination process. Deamination क्या होता है बच्चों? Deamination में आप amino acid से amino group को remove कर देते हो। NH2 group is amino group, उस group को आपने remove कर दिया। ये जो आपकी amino group है, ये क्या करती है? ये आपके H plus ion से mix होती है and it forms nothing but your ammonia, करेक्ट? आपकी अमोनिया बनाती है। अब यही अमोनिया को आप इस ऐसे का ऐसे नहीं निकाल सकते बाहर, है ना? अमोनिया को, इसलिए इसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे का ऐसे बाहर नहीं फेंकते हो आप, क्योंकि आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूँ, मैं मैमल हूँ, करेक्ट? मैमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल, राइट? रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, एव्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। हेलो स्वरूप, वेलकम टू द क्लास। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकते इस प्योर फॉर्म में। बनता तो उनके बॉडी में भी अमोनिया ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है टू एलिमिनेट और टू एक्सक्रीट अमोनिया। गैलन्स ऑफ वाटर आप पीते कितना हो दिन में? 3 लीटर, 3.5 लीटर, नॉट मोर देन दैट। और उसको चाहिए बहुत सारे लीटर्स ऑफ वाटर। इतना हम पीते ही नहीं है भैया, कहाँ से लाएंगे पानी? तो हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं या तो यूरिया में, अगर आप मैमल्स की बात करो तो, और अगर आप बात करो कुछ रेप्टाइल्स या एव्स की, तो वो क्या करते हैं, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। थोड़ा बहुत यूरिक एसिड, यूरिया अगर हमने बॉडी में रख भी लिया तो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी या आयोनिक बैलेंस। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हियर या फिर मैमल्स, हम क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? लिवर करता है, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल जो आप पढ़ते हो। सो एज आई वाज सेइंग, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके नाइट्रोजन से बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से रिमूव करके आपने बनाया है, करेक्ट? सो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट excreted by the animals. Ammonia is the most toxic, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी लेवल अगर आप देखोगे तो किसका होता है? अमोनिया का होता है। उसके बाद किसकी बारी आती है? यूरिया। यूरिया इज अ बिट लेस टॉक्सिक, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड। आप इसको याद रखोगे, इस चीज को याद जरूर रखना, दिस इज द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, दिस वन हियर इज मोस्ट टॉक्सिक। ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, और ये वाला क्या है? लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत फेमस है एनटीए वालों का, पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। आप लोग साथ साथ में पढ़ रहे हो, आई होप आप लोग अंडरलाइन कर रहे हो अपने भी एनसीईआरटी को विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिख रही हूँ आप अपने बुक में उसे लिख सकते हो, अपने किताब में उसे लिख सकते हो, ठीक है ना। Ammonia is most toxic and requires a large amount of water for its elimination, अभी बताया। Whereas uric acid being the least toxic can be removed with minimum loss of water। तभी तो यूरिक एसिड जो है वो हमेशा सॉलिड पेलेट के फॉर्म में निकलता है। क्या आपने कभी भी बर्ड की एक्सक्रीटा देखा है? यू हैव सीन कि वो थोड़ा सॉलिड होता है। क्या आपके घर पे लिजार्ड तो होगा, छिपकली तो सबके घर पे होती है, छिपकली छोड़ो, चलो छिपकली से बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे लगता है। कॉकरोच तो होगा, कॉकरोच का आपने एक्सक्रीटा देखा होगा, छोटे छोटे ग्रैन्यूलर होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना। हेलो हेमंत, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। सॉलिड ग्रैन्यूलर होते हैं कॉकरोच का जो एक्सक्रीटा होता है, करेक्ट। तो वो एक्सक्रीटा देखो सॉलिड है। हमारी एक्सक्रीटा कैसी होती है, यूरिन कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है। तो हम थोड़ा सा फिर भी वाटर एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जो यूरिक एसिड रिलीज करने वाले होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं, वो बिल्कुल भी वाटर लॉस नहीं करते, एकदम बर्बाद नहीं करते वाटर, ठीक है। तो आपका मिनिमम वाटर लॉस के साथ वो रिमूव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पेलेट। कौन लोग, जो यूरिकोटेलिक एनिमल है। Okay, now the process of excreting ammonia is called as ammonotelism। कौन कौन ammonotelic है यहाँ देख लो, bony fishes, cartilaginous fishes नहीं, cartilaginous fishes जैसे कि आपके shark या फिर stingray या torpedo, electric ray, ये सारे के सारे आपके बच्चों यूरियोटेलिक होते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके chondric thighs है, chondric thighs कौन होते हैं बच्चों, cartilaginous fishes है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस, दे आर यूरियोटेलिक, ये बात आप ध्यान रखिए। वो यूरिया रिलीज करती है हमारी तरह, लेकिन जो बोनी फिशेस है वो क्या है, वो अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिज्म कौन शो कर रही है, बोनी फिशेस कर रही है, एक्वेटिक एम्फीबिया कर रही है। एक्वेटिक एम्फीबिया में क्या क्या आ जाता है, एक्वेटिक एम्फीबिया में आपका सैलमेंडर आ जाता है ना, टैडपोल आ जाता है, बट टैडपोल तो चलो लार्वल फॉर्म है। एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट में कितने डैफ्निया वगैरह आ जाएगा, एक्वेटिक इंसेक्ट, प्रॉन्स आ जाते हैं, क्रस्टेशिया आ जाता है, सो सारे, तो दे आर एक्चुअली नॉट इंसेक्ट बट दे आर क्रस्टेशिया, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, राइट। ओके, सो दे आर ऑल अमोनोटेलिक इन नेचर, क्योंकि एक्वेटिक है ना। बट अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और थ्रू गिल सर्फेस इन फिशेस एज अमोनियम आयन। तो ये अमोनियम आयन के फॉर्म में या तो गिल से एक्सक्रीट आउट होती है या डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सर्फेस। अब चलो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, जो मैंने अभी पढ़ के सुना, ये तो हायर वर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट का क्या, वो क्या एक्सक्रीट नहीं करते चीज़ें, बिल्कुल करते हैं। अगर आप पॉरीफर्स ले लो, वो भी बॉडी सर्फेस के थ्रू अमोनियम आयन एक्सक्रीट करते हैं। निडारिया भी करता है ना, प्लैटी हेलमिंथस भी करते हैं, उनके पास तो फ्लेम सेल है भैया, बड़े लोग हैं वो, ठीक है। फिर अगर आप एनिलिना ले लो, उनके पास नेफ्रीडिया है, वो भी करते हैं अमोनिया, सॉरी इन केस ऑफ योर एनिलिडा, जैसे कि आपके जो अर्थवर्म है वो यूरियोटेलिक है, करेक्ट। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट, थैंक यू राइजिंग सन, थैंक यू सो मच। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किसकी रिमूवल, अमोनिया। किडनी अमोनिया को नहीं रिलीज कर सकती है, तभी तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं इन द यूरिया साइकिल, जो आपके लिवर में होती है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, जितने भी एनिमल टेरेस्ट्रियल बन गए, रेप्टाइल, एम्फीबिया से स्टार्ट कर लेते हैं। एम्फीबिया भी तो आपके टेरेस्ट्रियल है, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गए, ये सारे टेरेस्ट्रियल है। तो ये जो आपके टेरेस्ट्रियल, हाँ जी फारूकी, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होता है बच्चे प्लेटी हेलमेंट्स में, उसको हम सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोल सकते हैं। ओके ना, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन की अगर आप बात करो तो आपका फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, रेप्टाइल्स हो गए सारे, एब्स हो गए सारे, मैमल्स हो गए सारे, ठीक है। इन सब का टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। बोनी फिशेस तो है ही वाटर में, तो अमोनिया के साथ कितना भी वाटर निकाल ले फर्क नहीं पड़ता है, तो वो वाटर में डिहाइड्रेट नहीं होगी उनकी बॉडी, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल की हो सकती है। सो वॉट दे डू, सो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेट्स the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. ओके ये बात याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके नाउ मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, मराइन फिशेस. मराइन फिशेस मोस्टली आपके कॉन्ड्रिक्टाइज, सारे के सारे कॉन्ड्रिक्टाइज मराइन फिशेस है, ध्यान रखिए. बोनी फिशेस मराइन भी हो सकती है और आपकी फ्रेश वाटर भी हो सकती है. मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स. ओके ammonia produced by yes Faruqi, Ordithin cycle for removal of urea in the liver. yes, urea बना कहाँ पे? लिवर में. वो यूरिया हेपेटिक वेन के थ्रू आया आपके किडनी में और किडनी के नेफ्रॉन से फिर वो बाहर निकल गया यूरिया, क्योंकि अमोनिया को वो नहीं निकाल सकता था, इसलिए यूरिया को निकाला. किसने? किडनी के सेल्स ने. अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द liver, अभी बताया, of these animal and released into the blood which is filtered and excreted out by kidneys. okay, some amount of urea may be retained. शुरुआत में क्या बोला था कि पूरा यूरिया हम बाहर नहीं फेंकते हैं, पार्शियल होता है. okay, retained in the kidney matrix of some of these animal to maintain a desired osmolarity. आयोनिक बैलेंस या ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा बहुत यूरिया वापस अपने कहाँ, किडनी मैट्रिक्स में रख लेते हैं. ओके नाउ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट. अभी बताया था मैंने आपको, सॉलिड पेलेट यहाँ पे है ना, पेलेट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड एज व्हाट, यूरिकोटेलिक एनिमल्स. ठीक है, तो याद रखिए कौन कौन से एनिमल क्या क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं. ओके जी, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखते हैं. ओके एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ एक छोटे से टेबल के फॉर्म में. जैसे अगर आप पॉरीफेरा देखो, पॉरीफेरा क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? ऑब्वियसली अमोनिया. ओके अमोनिया. फिर अगर आप देखो निडारिया, निडारिया क्या कर रहा है? वो भी अमोनिया. ठीक है, टीनोफोरा, टीनोफोरा का भी आपको अमोनिया दिखेगा. प्लैटी हेलमिंथिस का भी आपको अमोनिया दिखेगा, राइट. फिर अगर आप अर्थवॉर्म ले लो जो कि एनेलिड है, राइट, उसका क्या होता है? दे आर यूरियोटेलिक. अर्थवॉर्म्स आर यूरियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट आउट करेंगे. और यहाँ पे आपका अमोनिया और भी बहुत सारे एनिमल एक्सक्रीट आउट करते हैं. लेट मी राइट इट हियर, यहाँ पे लिख देती हूँ. अमोनिया कौन कौन एक्सक्रीट आउट कर रहा है? बोनी फिशेस कर रही है, बोनी फिशेस आपकी अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती है. ओके और कौन कौन करता है? आपके क्रस्टेशिया, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स जो है, क्रस्टेशिया जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स एंड सो ऑन, राइट. फिर आपके एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक एम्फीबिया जो है वो भी आपकी अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट कर रही है. यूरियोटेलिक कितने होते हैं? लेट्स राइट अबाउट द यूरियोटेलिक. तो मैं एक दूसरे कलर से लिखती हूँ यहाँ पे नीचे. वेट जस्ट अ सेकेंड बच्चों, एक मिनट, इसको ब्लॉक करके बंद कर देती हूँ. ये आपकी अमोनिया का तो हो गया. चलो लेट्स सी यूरियोटेलिक कितने होते हैं? अर्थवर्म. ओके अर्थवर्म आपका यूरियोटेलिक होता है, ये यूरिया रिलीज एक्सक्रीट आउट कर रही है. देन ऑब्वियसली मैमल्स, मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स भी, एक्वेटिक मैमल्स जैसे कि कौन, डॉल्फिन्स ले लो, वेल्स ले लो, ये भी सारे आपके यूरियोटेलिक ही होते हैं. देन कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस आपकी ऑब्वियसली जो है दे आर मराइन, इसलिए मराइन फिशेस भी बोलते हैं, दे आर यूरियोटेलिक. एंड डू यू नो टर्टल्स एंड एलिगेटर्स, ये आपके रेप्टाइल्स है, तब भी ये आपके यूरियोटेलिक होते हैं. और अगर आप यूरिकोटेलिक देखोगे कि यूरिक एसिड कौन कौन एक्सक्रीट आउट कर रही है, सो लेट मी राइट इट हियर. ऑल बर्ड्स, ओके ऑल बर्ड्स, एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं? प्योर प्लैटिपस, डग बाइल प्लैटिपस. ओके हेलो शशि, वेलकम टू द क्लास. एग लेइंग मैमल्स वो भी आपके यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. लिजार्ड्स, स्नेक्स, ये दोनों आपके क्या है? दीज आर बोथ योर रेप्टाइल्स, दे आर यूरिक एसिड. कॉकरोच भी आपकी यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. चलो अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स These structures are simple tubular forms, whereas vertebrates में इनका complex tubular structure बनता है called as kidney. देखो जब आप लोअर इनवर्टिब्रेट्स को देख रहे हो या इनवर्टिब्रेट्स को देख रहे हो, उनके पास आपको कैसी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलती है. जैसे आपको अर्थवर्म में नेफ्रीडिया मिलेगी, आपको प्लैटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स मिलेगी, राइट. आपको इन केस ऑफ व्हाट डू यू से आर्थ्रोपोडास में मालपीगियन टिब्यूल मिलेगी. तो ये बहुत सिंपल टिब्यूलर स्ट्रक्चर है. लेकिन हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है वो टिब्यूलर है, टिब्यूल्स प्रेजेंट है, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई. यू हैव अ प्रॉपर नेफ्रॉन विद बोमेन्स कैप्सूल, विद ग्लोमेरुलस, विद पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग डक्ट. तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है. मैं स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाऊंगी, डोंट वरी. सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके सिंपल टिब्यूलर है और कुछ कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर है, यहाँ पे मेंशन किया है. जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल आपको किस में मिलती है? प्लैटीहेल्मिन्थस में. जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड सम एनिलिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट, जो कि एम्फिऑक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफेलोकॉर्डेट, जिसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं, उनमें आप क्या देखोगे? प्रोटोनेफ्रीडिया are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation and osmoregulation. दोनों कर रही है, osmoregulation कर रही है, fluid और ion का balance maintain कर रही है, correct. Ions जैसे कि electrolytes आपके Na+, K+, Cl-, इन सब का, okay. Hello, हाँ जी शशि, welcome to the class. Hello Pratik, welcome to the class, okay. Now nephridia are the tubular excretory structures in earthworm and other annelids. लीच हो गया, नीरीज हो गया, इन सब के पास क्या प्रेजेंट है? नेफ्रीडिया प्रेजेंट है एज देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. उसका काम क्या होता है? टू हेल्प रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट. ऑब्वियसली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, करेगा तो जरूर. एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयन बैलेंस. वही ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रहा है. आपकी किडनी भी वही काम करती है. किडनी एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर भी फेंक रही है और ऑस्मो रेगुलरिटी भी मेंटेन कर रही है. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? अभी बताया, फ्लूइड वॉल्यूम, दैट आपके ब्लड की फ्लूइड वॉल्यूम एंड दी आयोनिक वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम, ओके. नाउ मालपीगियन टिब्यूल्स, यहाँ पे दूसरे कलर से बताती हूँ बच्चों. मालपीगियन टिब्यूल्स, यस गरिमा, व्हाट आर एम्फिऑक्सस? एम्फिऑक्सस सेफेलोकॉर्डेटा. आपने एनिमल किंगडम में सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ा होगा ना, तो सेफेलोकॉर्डेटा का एक एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस. इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है ब्रैंकियोस्टोमा. इसे हम ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं. एक और जो कॉमन नाम है, इसे बोला जाता है लैंसलेट. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज लैंसलेट, ओके. इट्स अ एनिमल विच बिलोंग्स टू सेफेलोकॉर्डेटा ऑफ कॉर्डेटा फाइलम, ओके. नाउ मालपीगियन टिब्यूल्स अगर आप देखो, दे आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, करेक्ट. मालपीगियन टिब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन. देखो सारे वही काम कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बाहर फेंक रहे हैं और ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रहे हैं. एंटीनल ग्लैंड्स, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज ही सुबह हमने स्पेशल क्लास में मॉक टेस्ट लिया था, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछा था. कल भी आपका 12 बजे मॉक टेस्ट है स्पेशल क्लास में इसी चैप्टर का. अभी हमने इसका 1 गो सीरीज किया था, राइट. सो एंटायर चैप्टर आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, करेक्ट. नाउ ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशिया लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एटसेट्रा, करेक्ट. उनमें आप क्या देखोगे? ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनरी ग्लैंड्स. अब हम बात करेंगे ह्यूमन की, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. सो लेट्स सी कि ह्यूमन में क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्या प्रेजेंट है. तो हमारी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज नथिंग बट किडनी. इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अ पेयर ऑफ किडनी. कहाँ पे प्रेजेंट है? एब्डोमेन में प्रेजेंट है. और किडनी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल किडनी एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, है ना. हालांकि आपके आई थिंक ये मेंशन नहीं है आपके एनसीईआरटी में. रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है ही नहीं. मैं ये पढ़ा चुकी हूँ रेट्रोपेरिटोनियम क्यों बोलते हैं इन द स्पेशल क्लास, तो आप उसे देख सकते हो इफ यू वांट टू नो अबाउट द रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन. नाउ 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर विद अ सिंगल यूरेथ्रा. ये कंप्लीट आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है. मैंने बोला था एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो इतने सारे ऑर्गन आपको दिखेंगे. हेलो खुशहाली, वेलकम टू द क्लास. किडनीज आर रेडिश ब्राउन, bean-shaped structure situated between the last thoracic and the third lumbar vertebra. ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है. Very important. Last thoracic to the third lumbar. इतना तक, मतलब यहाँ पे आपकी thoracic का last vertebral column है और यहाँ पे आपकी lumbar का third. इसके बीच में present होता है आपकी किडनी. एक और चीज आप देखोगे, जो आपकी राइट किडनी है, इट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी. व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लिवर. लिवर ये जगह ऑक्यूपाई करके रखता है राइट साइड में, तभी आपकी राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है. करेक्ट ना? सो यस, the last lumbar close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. क्या है dorsal inner wall? यहाँ देखो, सपोज ये आपकी बॉडी है ना, दिस इज योर बॉडी हियर. यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी किडनी, दिस इज योर किडनी हियर, दिस इज योर किडनी. एब्डोमिनल वॉल के साथ वो अटैच्ड है एक साइड से. कैन यू सी हियर? यहाँ पे अटैच्ड है वो डॉर्सल वॉल से. करेक्ट ना? ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है लेंथ, है ना. और उसका विथ कितना होता है? 5 to 7 सेंटीमीटर विथ है उसकी. करेक्ट? एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस है उनकी. राइट? विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम्स इन एवरी ह्यूमन. एवरी ह्यूमन 120 to 170 ग्राम्स है किडनी का वेट. Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called as hilum. क्या बोला है यहाँ पे? बना के दिखा देती हूँ. उन्होंने कहा है this is your kidney, है ना. सपोज ये आपकी किडनी का स्ट्रक्चर है और किडनी के मिड में इस तरह से आपको एक नॉच दिखेगी. दिस नॉच हियर इज कॉल्ड एज व्हाट? इस नॉच को हम बोलते हैं हाइलम. दिस नॉच हियर इज कॉल्ड एज हाइलम. इस हाइलम में क्या क्या प्रेजेंट है? इस हाइलम से यूरेटर लीव करता है. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? दिस इज नथिंग बट द यूरेटर एंड द यूरेटर इज लीविंग. लुक एट द एरो. एरो को देखो, ये है आपकी यूरेटर. और क्या क्या प्रेजेंट है? हाइलम में एंटर करता है ब्लड वेसल, जैसे कि रीनल आर्टरी एंटर करेगी. रीनल आर्टरी एंटर कर रही है क्योंकि ब्लड भी तो देना है ना. किडनी इज नथिंग बट एन ऑर्गन, उसको भी तो खाना पीना चाहिए. और रीनल वेन इसको यहाँ से निकल के बाहर जाती है. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? रीनल वेन. एरो देखो, इट इज लीविंग द किडनी, है ना. रीनल वेन निकल के जा रही है. सारी की सारी तीनों चीजें आपको हाइलम में दिखेगी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? द कार्डिक, द रीनल नॉच. ओके, लेट्स सी हियर. सो हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर. समझ में आया? Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called as renal pelvis. Somewhere here आपको दिखेगा कि renal pelvis present है. Somewhere here the renal pelvis is present. इस diagram में थोड़ा इस conical होता है ये वाला renal pelvis. इस यहाँ पे दिखा देती हूँ. Something like this. यहाँ पे आपकी renal pelvis present है. This is your renal pelvis. ओके, कोनिकल रीनल पेल्विस प्रेजेंट है. रीनल पेल्विस क्या है? सारे के सारे कैलिसिस एक साथ जुड़ के बनाता है रीनल पेल्विस. अब ये कैलिसिस क्या है? लेट मी टेल यू, लेट मी ड्रॉ दी एंटायर डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, पूरा डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ. आपको पता है कि किडनी का जो इनर साइड है, इट इज कंपोज ऑफ वॉट? मेड्यूला. ओके, इस तरह से आपको इनर मेड्यूला दिखेगा. दिस इज योर इनर मेड्यूला. ये 5 से 7 इनर मेड्यूला आपको दिखता है एक किडनी में. दिस इज योर मेड्यूला या मेड्यूलरी पिरामिड. ओके, दिस इज योर मेड्यूलरी पिरामिड. और इसके बाहर आउटर सरफेस में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ग्रैन्युलेटेड कॉर्टेक्स. द कॉर्टेक्स अपीयर ग्रैन्युलेटेड. क्यों क्यों वो ग्रैन्युलेटेड दिखता है? क्योंकि यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल सारे प्रेजेंट होते हैं. एक नेफ्रॉन का, सिर्फ नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है, वो आपको दिखता है प्रेजेंट इन द मेड्यूला. बाकी पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है. सो इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द कॉर्टेक्स. थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स का पार्ट इस तरह से मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में भी एक्सटेंड हो जाता है. सम पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स ऑल्सो एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड. We call that as the column of Bertini. हम उसे क्या बोलते हैं? We call it as the column of Bertini. So let me write it here. This is your column of Bertini. क्या है column of Bertini? It is the extension of cortex in between the medullary pyramids. अब medullary pyramid अगर आप देखो, यहाँ से निकल के आता है कुछ minor calyces. इस तरह से कुछ minor calyces निकल के आता है. माइनर कैलिस फॉर्म्स अ मेजर कैलिस. ओके, या एक काम करती हूँ, लेट मी जस्ट रब दिस थिंग ऑफ, ये वाला मिटा देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें ठीक से समझ में आए. मैं बाद में फिर बना दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो ये आपकी माइनर कैलिसेस है. दीज आर माइनर कैलिस. माइनर कैलिस 5 से 7 होती है. ईच मेडुलरी पिरामिड से एक एक कैलिस निकल रही है, सो 5 से 7 ही होगी. माइनर कैलिस जॉइंट्स द मेजर कैलिस. ये हो गया आपका मेजर कैलिस, जो 2 से 3 होती है, नॉट मोर देन दैट. मेजर कैलिस इज 2 to 3. यहाँ से फिर से आपकी माइनर कैलिस निकली, 2 माइनर कैलिस निकली, मेजर कैलिस को ज्वाइन की. ये दोनों मेजर कैलिस फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका रीनल पेल्विस. ये है आपकी रीनल पेल्विस, जो आपकी यूरेटर में ओपन हो रही है. इट इज ओपनिंग इन टू योर वेटर. ओके, हेलो अभिराज. एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ 12th. यस, ऑब्वियसली 12th का भी करेंगे. व्हेन डज माय क्लास स्टार्ट? माय क्लास स्टार्ट्स एट अराउंड 7 PM. ओके, करेक्ट. एनीवे, सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी बच्चों, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आई हैव नाउ ड्रॉन द स्ट्रक्चर एंड आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. ओके, क्या बताया था कि देयर इज अ फनल शेप्ड रीनल पेल्विस प्रेजेंट, प्रोजेक्शन रीनल पेल्विस फनल प्रेजेंट, जो बनता है किस चीज से? कैलिसेस से, मेजर कैलिसेस से. नाउ द आउटर लेयर ऑफ किडनी स्टफ कैप्सूल एंड द इनर ऑफ द किडनी देयर आर 2 zones, 1 आउटर कॉर्टेक्स, 1 इनर मेड्यूला. वो तो मैंने आपको अभी दिखाया, बाहर कॉर्टेक्स है और इनर मेड्यूला है, मेड्यूलरी पिरामिड्स हम उसको बोलते हैं. Correct. The medulla is divided into few conical masses called as medullary pyramids, projecting into calyces. समझ में आया? medullary pyramids projecting into calyces. बाहर वो कैलिस की तरह निकल रहा है. Okay. Now the cortex extends in between. The cortex, last one line देखो नीचे क्या लिखा है. The cortex extends in between the medullary pyramids are renal columns called as column of Bertini. अभी बताया था ना, column of Bertini. ये देखो, the cortex extending in between the medullary pyramid. Clear? Okay. I do not teach botany, Anand. Okay, I teach only zoology, as I have told many times. Now, each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called as nephron. हर एक किडनी में आपको क्या दिखेगा? नेफ्रॉन दिखेगा. 1 million एक किडनी में. तो सपोज बच्चों, ये आपका सपोज मेड्यूलरी पिरामिड है. ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. ये सपोज आपका मेड्यूला है, ये नीचे मेड्यूला है, और ऊपर सपोज ये आपकी कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे सपोज आपकी कॉर्टेक्स है. तो आपको नेफ्रॉन दिखता है प्रेजेंट किडनी में, लेकिन नेफ्रॉन आपके मेड्यूला में नहीं है. नेफ्रॉन दोनों जगह पे आधा आधा होता है. लेट मी शो यू हाउ. इस तरह से आपके नेफ्रॉन का पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी ऊपर होता है कॉर्टेक्स में, लूप ऑफ हेनले होती है आपके मेड्यूला में, है ना, लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में, डीसीटी फिर से कॉर्टेक्स में, और फिर वो ज्वाइन करती है किसको? वो ज्वाइन करती है कलेक्टिंग डक्ट को. ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है. ओके, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट इस तरह से नीचे आते हुए थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है इस एरिया में. इसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, और फाइनली वो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ माइनर कैलिस, और बाद में क्या बन जाती है? मेजर कैलिस को जुड़ जाती है. राइट, सो लेट्स सी हियर क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में. 1 million ऐसे नेफ्रॉन आपको दिखेंगे प्रेजेंट, विच आर द फंक्शनल यूनिट्स, क्योंकि यहीं पे तो एक्चुअली यूरिन बनती है. करेक्ट, यहीं पे तो आपकी यूरिन बनती है. हेलो अरमान, वेलकम टू द क्लास. नाउ ईच नेफ्रॉन हैज 2 parts. 2 पार्ट है हर एक नेफ्रॉन में, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल. ओके, तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है बच्चों? अगर आप ग्लोमेरुलस देखो यहाँ पे, द ग्लोमेरुलस या हम इसको मालपीगियन बॉडी भी बोल सकते हैं, बिकॉज मालपीगियन पिगमेंट, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों मिला के क्या बनती है, दे बोथ फॉर्म्स नथिंग बट दी मालपीगियन बॉडी, ये दोनों मिला के बनाती है मालपीगियन बॉडी। और रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में आपकी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कॉलम कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। ग्लोमेरुलस क्या है, इट्स अ टफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। कैसे बनती है, लेट मी शो यू। यहाँ पे सपोज ये आपकी एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ से आई थी, एफरेंट आर्टेरियोल आई थी आपके रीनल ब्रांच से। मैंने बताया था ना आपकी किडनी में रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, सो ये आपकी सपोज एफरेंट आर्टेरियोल है। ये आया और ये डाइवर्ज हो गया इनटू कैपिलरी। जैसे हम हमेशा हर एक ब्लड वेसल में देखते हैं कि ब्लड वेसल में आर्टेरियोल ऑलवेज डाइवर्ज इनटू व्हाट, कैपिलरीज। लेकिन ये जो कैपिलरी बनी है बच्चों, जस्ट लेट मी शो यू, ये सपोज आपकी कैपिलरी है यहाँ पे, दिस इज योर कैपिलरी, ओके, ये आपकी कैपिलरी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू फिनिश द डायग्राम एंड देन आई विल एक्सप्लेन। कैपिलरी हमेशा फ्यूज होके बनती है एक वेन्यूल, लेकिन यहाँ पे वो वेन्यूल नहीं बनी, यहाँ पे वो आर्टेरियोल ही बनी है। कौन सी आर्टेरियोल बनी है, ये बनी है इफरेंट आर्टेरियोल, ओके ये थोड़ा सा हटके होता है। बाकी सारे जगह पे आपकी कैपिलरीज जुड़ के बनती है क्या, द कैपिलरीज फॉर्म नथिंग बट वेन्यूल्स, बट यहाँ पे आर्टेरियोल ही बन रही है। ये आर्टेरियोल फिर क्या करती है, ये जाके बनाती है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, जो आपके पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट के आसपास प्रेजेंट होती है। सो व्हाट इज दिस, ये आपका बन जाता है पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, ये है आपकी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। ये क्या था, दिस वॉज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, दिस वॉज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ओके परफेक्ट, आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी हियर, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, अभी बताया था आपको डायग्राम बना के। नाउ ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके कौन जा रहा है, तो डायरेक्शन यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ से ब्लड आई आपके एफरेंट में, एफरेंट से वो कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर ब्लड को कौन लेते हुए जा रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल लेके जाता है, कैरीड अवे फ्रॉम दिस। हेलो देवस्मिता, वेलकम टू द क्लास बच्चे। ओके ना, हाँ जी आनंद, बिल्कुल रास सिस्टम भी बताया जाएगा, है ना। अभी अचानक से मैं फर्स्ट स्टेप में हूँ, कूद के 100 स्टेप में तो नहीं जा सकते, है ना, देयर इज अ सीक्वेंस टू स्टडी। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। आपको रीनल ट्यूब्यूल किससे शुरू होता है, बोमेन्स कैप्सूल से शुरू होता है, जो कि डबल वॉल्ड है। हम इसको डबल वॉल्ड क्यों बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू। यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये है आपकी बोमेन्स कैप्सूल, जिसका एक वॉल आपको दिख रही है ग्लोमेरुलस के एकदम करीब, एक और वॉल थोड़ा सा उससे दूर, ये रहा, ठीक है। जो आपको इनर वॉल दिखती है, इनर वॉल जो यहाँ दिख रही है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, बट वो स्क्वैमस एपिथेलियम थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, इस तरह से मॉडिफाई हो गया है स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन से वॉल में, इनर वॉल ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोडोसाइट्स। ये है बच्चों आपकी पोडोसाइट्स, ओके ये है आपकी पोडोसाइट्स। सेम स्क्वैमस एपिथेलियम आपको इस लेयर में भी दिखेगा, आउटर वॉल में भी दिखेगा, लेकिन उनकी मॉडिफिकेशन नहीं है, वो नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम है जो हम देखते हैं यूजुअली, है ना। सो दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड एज द इनर लेयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विसरल लेयर, ठीक है। और ये वाला क्या है, दिस इज पैराइटल लेयर। दोनों ही आपके बोमेन्स कैप्सूल का लेयर है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ये क्या था, बोमेन्स कैप्सूल, ये था आपकी बोमेन्स कैप्सूल। डन, ओके चलो आगे बढ़ते। तो बोमेन्स कैप्सूल हो गया, अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी हियर। नाउ The cup-like structure is double-walled, called as Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. Glomerulus उसके अंदर होती है ना, जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे कप शेप ऊपर glomerulus, ऐसा नहीं है, वो कवर कर लेती है इस तरह से glomerulus को, अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है. सपोज ये है आपकी ग्लोमेरुलस, लेट्स इमेजिन कि है ना, ये सपोज आपकी ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे आपको दिख रही है ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह से इनक्लोज करके रखती है. ओके, नाउ ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज दी मालपीगियन बॉडी. मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है जस्ट मालपीगियन बॉडी के बारे में, ठीक है ना. और रीनल कॉर्पसल भी हम इसको बोलते हैं, करेक्ट ना. द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर, अब ये जो रीनल टिब्यूल है बोमेंस कैप्सूल के आगे भी बढ़ता है टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. क्या बनाता है वो? PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, राइट. इसके नीचे आपको दिखेगा ये एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, राइट. हाईली कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड इस तरह से स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज योर PCT. PCT किस चीज से बनी हुई होती है? लेट्स सी हियर. PCT बच्चों आपकी बनी हुई होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम. देखो थोड़ा सा ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम से ये बनी हुई होती है. व्हाट इज ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम? लेट मी टेल यू. PCT इट इज composed of brush bordered cuboidal epithelium. कैसा दिखता है ये cuboidal epithelium? और brush border क्यों बोल रहे हैं? वो cuboidal, cube like shape, cube like cells है, लेकिन उसमें एक modification होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इस तरह से. तो ये ब्रश जैसा नहीं दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ ब्रश, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर बोलते हैं. यही क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा था 13 सितंबर को. बहुत सारे बच्चों ने स्मॉल इंटेस्टाइन टिक करके आए थे, क्योंकि आपको लगता है ब्रश बॉर्डर मतलब से वहां पे प्रेजेंट हो सकता है. वहां है ब्रश बॉर्डर, बट वो कॉलमनार है. इंटेस्टाइन में जो आप देखते हो दैट इज कॉलमनार, वो लंबी सी सेल है, ये क्यूबॉइडल है, ठीक है. तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर कीजिएगा. क्योंकि आपके PCT में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा रीएब्सॉर्प्शन आपको PCT में दिखता है 70 to 80%, क्योंकि आपकी माइक्रोविलाई क्या करती है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन. ओके, अब उसके बाद क्या होता है? हेयर पिन शेप्ड लूप, हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम, ठीक है. द असेंडिंग लिम कंटिन्यूअस एज अनदर हाईली कॉइल्ड टिब्यूलर रीजन विच इज कॉल्ड एज DCT. लूप ऑफ हेनले, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो DCT में चली जाती है. ओके, हाँ जी देवस्मिता, क्यूब शेप या क्यूबॉइडल है, उसका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है. उसका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि उसकी माइक्रोविलाई बनी है. माइक्रोविलाई इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल. सेल की प्लाज्मा स्ट्रेट ना होके इस तरह से आपकी वेवी हो जाती है, दैट इज माइक्रोविलाई. उससे सरफेस एरिया बढ़ गया ना एब्सॉर्प्शन का. पहले इतना सा सरफेस एरिया था, अब देखो कितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया एब्सॉर्प्शन का. सो इट लुक्स लाइक अ ब्रश, इसलिए ब्रश बॉर्डर बोलते हैं. Now, the DCTs of many nephron open into straight tube called collecting duct. हम DCT को क्या देखते हैं? DCT open into nothing but कहाँ गया स्ट्रक्चर? It opens into a collecting duct. ये DCT आया, ओपन हो गया कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है? मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड इन द कैलिसिस. इसका मतलब क्या है? हम क्या देखते हैं कि आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कैसे ओपन हो रही है. मैंने बोला था ना, कलेक्टिंग डक्ट, मेनी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू व्हाट? द कैलिस, माइनर कैलिस. रीनल पेल्विस में जाके वो फिर जुड़ जाती है, करेक्ट. ओके, द मालपीगियन कॉर्पसल. मालपीगियन कॉर्पसल क्या था? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, कॉमा PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी. बताया था कि नहीं? इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो क्या बोला था मैंने? मालपीगियन बॉडी ये ग्लोमेरुलस के साथ, PCT एंड DCT कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है. लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट है? मेड्यूला में लोकेटेड है. ओके, हाँ जी. loop of LA आपके कहाँ पे present है? Medulla में. Let's see here. So the PCT, DCT and Malpighian corpuscles are situated in the cortex of the kidney, whereas loop of LA dips into the medulla. Medulla में dip हो गया है वो. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short. ज्यादातर नेफ्रॉन में आपको छोटा सा लूप ऑफ हेनले दिखता है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में अभी बना के दिखाया था. लेकिन कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं 15% जिसका आप लूप ऑफ हेनले कैसा देखते हो, दे हैव एन इलोंगेटेड लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. ये देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ना, है ना, येलो कलर से बना रही हूँ. लूप ऑफ हेनले इस तरह से आपकी इलॉन्गेटेड होती है. ये 15% ऐसा होता है और 85% नेफ्रॉन आपके कॉर्टिकुलम नेफ्रॉन होते हैं. जो 15% नेफ्रॉन है उसे हम जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन बोलते हैं, जिनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ही इलॉन्गेटेड है. देखो, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला. मेडुला के ठीक ऊपर ऊपर रीजन. सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and deep. It runs deep into the medulla. अभी बता था, एकदम नीचे तक जाता है मेड्यूला के. उसे हम क्या बोलते हैं? We call it as juxtamedullary nephron. अभी बता था कि ये 85% होता है आपके किडनी में और juxtamedullary सिर्फ 15% होता है. और जो juxtamedullary nephron है वही help करता है concentrating the urine. It helps in concentrating your urine and it prevents water loss. आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने में juxtamedullary nephron help करती है. ठीक है. Now the efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called as peritubular capillaries. ये भी मैंने बताया था. इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है? नीचे आके इट फॉर्म्स अ कैपिलरी नेटवर्क अराउंड योर टिब्यूल्स एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी. इस तरह से टिब्यूल के आसपास वो कैपिलरी फॉर्मेशन करता है. क्या कर, किस लिए कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके. अ माइन्यूट वेसल ऑफ द नेटवर्क रन्स parallel to the loop of Henle, forming a U-shaped vasa recta. तो वासा रेक्टा आपको सिर्फ juxtamedullary nephron में मिलेगा, क्योंकि juxtamedullary nephron में आप क्या देख रहे हो कि loop of Henle एकदम नीचे तक जा रहा है, deep तक जा रहा है. तो ऊपर ऊपर तो पेरिटिब्यूलर आके गायब हो गया, तो नीचे वाले loop of Henle को खाना पीना कौन देगा? वो भी तो सेल है, वो भी तो टिश्यू है, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए. तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का एक छोटा सा ब्रांच वासा रेक्टा बन के, यू शेप बन के नीचे आ जाता है. करेक्ट. सो इसमें ही आपको वासा रेक्टा दिखती है. किसमें? जक्स्टामेडुलरी में. कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में वो हाईली रिड्यूस्ड है या तो एकदम एब्सेंट है. ओके. सो वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन. यही बताया जस्ट आपको मैंने अभी. ओके. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया नेफ्रॉन का. नाउ वी नीड टू सी कि यूरिन कैसे बनती है. यूरिन इन आवर केस इज नथिंग बट सेमी लिक्विड होता है हमारी यूरिन. जस्ट अ सेकंड बच्चों, एक मिनट में थोड़ा सा टाइम दे दो. ओके. यूरिन हमारी जो होती है बच्चों, वी ऑल नो कि वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन वी मेक श्योर कि हम ज्यादा वाटर ना एक्सक्रीट आउट करें, कॉन्सेंट्रेट करें यूरिन को. ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तब होगा जब आप पानी कम पी रहे हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है. तो बॉडी का काम क्या है कि जहाँ से वाटर मिले मैं लेके रखूंगा, मुझे बॉडी को बचाना है. तो क्योंकि आप ज़्यादा पानी खुद से नहीं पी रहे हो मेहनत करके, तो आपकी मेहनत बॉडी करेगी. क्या करेगी? वो नेफ्रॉन से ज़्यादा वाटर रिएब्जॉर्ब करेगी. आपकी यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेट होती है, तो आपने देखा होगा येलोइश होती है यूरिन जब आप पानी कम पीते हो तो, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए यूरिन से वाटर ले रहा है वो. ओके. जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, आप देखते हो नॉर्मल यूरिन हो रही है, फ्रीक्वेंट यूरिन हो रही है, यूरिनेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए पानी. भाई इतना मेरे पास है, इतना ही है, इससे ना ज्यादा ना कम. कम हुआ तो मैं तो ले लूंगा यूरिन से, ज्यादा हुआ तो मैं निकाल दूंगा बॉडी से. करेक्ट. सो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होती है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन, क्योंकि यूरिन आप बना कहाँ से रहे हो? ब्लड से बना रहे हो. ब्लड को फिल्ट्रेट करने की जरूरत है, फिल्टर करने की जरूरत है. सबसे पहला होता है बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रीशन. यही 3 प्रोसेस मिलके आपका प्रॉपर यूरिन बनाता है. करेक्ट. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है ये देखो. सबसे पहले प्रोसेस में क्या हुआ? दिस वाज सपोज योर ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट ये ग्लोमेरुलस, ये ईफरन, ठीक है। यहाँ ग्लोमेरुलस बना लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके, और नीचे क्या है, यहाँ पे सपोज आपकी ग्लोमेरुलस है, ओके, यहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलस है। अब जो अमाउंट में नीचे, एक मिनट पीसीटी भी बना देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो, जस्ट ये डायग्राम बना लूँ एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, ये बन गया आपका लूप ऑफ हेनले, भी पीसीटी भी मैंने बना दिया है, ओके, और ये भी बना लेते हैं थोड़ा सा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन योर डीसीटी, और फिर वो किस में ओपन हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो रहा है आपकी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, जो ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट है, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से आपका ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे आ रहा है। सो इमेजिन इट लाइक अ चाय वाली छन्नी, में हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ईजी लगता है। सो ग्लोमेरुलस को इमेजिन करो कि आपका सॉसपैन है, आप चाय बना रहे हो, आपने पानी डाला, दूध डाला, आपने इलायची डाला, अदरक डाला, चाय पत्ती डाली, ओके। सो इमेजिन करो वो जो आपका लिक्विड पार्ट है ना सॉसपैन में चाय की, वो ब्लड है, उसमें जो आपका इलायची है, जो आपने अदरक डाला है या चाय पत्ती डाला है, दैट इज योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लार्जर प्रोटीन्स। अब नीचे आपने एक प्याला रखा है, कप रखा है जिसमें आप उड़ेलने वाले हो चाय को, राइट, और उसके बीच में आपने क्या रखा है, द सिंपल, हाँ जी याद ही नहीं होता, हाउ डू रिमेंबर दिस डायग्राम्स, आई रिमेंबर विद प्रैक्टिस, एक दिन में कुछ नहीं होता, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू हैव एन आइडेंटिक मेमोरी, यू हैव टू हैव एन यू नो पिक्चराइज मेमोरी, देख के ही याद हो जाए। तो बार बार डायग्राम बनाओ, डायग्राम से भागो मत, है ना। आपको नीट में तो डायग्राम्स नहीं पूछेंगे, मतलब डायग्राम्स बनाने को नहीं बोलेंगे, लेकिन डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है और डायग्राम से आपकी ज़्यादा अच्छे से याद होती है चीज़ें। और जब आप MBBS डिग्री में जाओगे ना, प्रैक्टिकल बुक्स में इतने डायग्राम बनाने होंगे, यू वोंट बिलीव, इतने ज़्यादा, ओके। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो आपने उस चाय, यहाँ पे एक आपने सीव रखा, ठीक है, स्ट्रेनर जिसमें आप चाय को छनते हो, और नीचे आपका कप रखा हुआ है, करेक्ट। सो वो जो स्ट्रेनर है, इमेजिन दैट स्ट्रेनर एज द ग्लोमेरुलस का एंडोथीलियम, ब्लड वेसल का एंडोथीलियम, और नीचे जो आपका बोमेन्स कैप्सूल है, दैट इज द कप। तो जब आप ऐसे छानोगे, स्ट्रेनर में आप देखोगे चाय पत्ती रुक गई, अटक गई, इलायची अटक गई, अदरक के छिलके वगैरह, अदरक वगैरह सब अटक गए, बाकी पानी पार्ट आपके कैप्सूल में आ गया। तो जो चीज़ें आपके कैप्सूल में आया, सच एज ग्लूकोज आ जाता है, क्योंकि वो यू नो मोनोमर है, वो इजीली फिल्टर हो सकता है, फ्रक्टोज आ जाता है, करेक्ट, अमाइनो एसिड्स आ जाती है कुछ, और आपके ऑब्वियसली Na+, K+, Cl-, Mg2+, बाइकार्बोनेट आयंस, Ca2+, ये सब आ जाता है, H2O भी आ जाती है, कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज कैप्सूलर फिल्ट्रेट, ये आपकी कैप्सूलर फिल्ट्रेट है। और इस फिल्ट्रेट को बनाने के लिए भी, ये जो आपकी छन के आ रही थी, एक प्रेशर की ज़रूरत है, जैसे आपने इस तरह से उड़ेला, एक प्रेशर क्रिएट हुआ था ना, करेक्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाई ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle. Each ventricle per minute, कितना amount of blood pump out करती है? 5000 ml per minute is your cardiac output. हमने ये पढ़ा है, right? और आपकी renal blood flow कितना है? 1200 ml पर मिनट। रीनल ब्लड फ्लो मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हार्ट से निकल के किडनी में आया है। 5000 का 5000 ही किडनी में नहीं आ सकता ना, बाकी क्या भूखे मर जाएंगे, लंग्स, आपके लिवर, आपका पैनक्रियाज, आपका ब्रेन भूखे मर जाएंगे, उनको भी तो ब्लड चाहिए, तो उनके पास ब्लड जाता है। 1200 ml 5000 में से आपकी किडनी में आ गई, उसे हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ये जो आपको लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वैल्यू, दिस इज रीनल ब्लड फ्लो, ओके। नाउ सो दैट कंस्टिट्यूट द 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल, क्योंकि ब्लड तो पंप कर रहा है वेंट्रिकल 5000 ml, ओके। नाउ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू तीन लेयर के थ्रू आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है। कौन सी तीन लेयर है, एक बार इस डायग्राम में जाते हैं। एक तो आपका एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, यहाँ पे एंडोथीलियम आपको दिखेगी। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और तीसरा क्या है, दी पोडोसाइट या स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल या विसरल एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। देखते यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं। नंबर वन, द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, बताया अभी आपको। द एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर, बताया कि नहीं। ये तीन होती है। एक बार मार्किंग कर देती हूँ, नंबर वन, ओके, देन योर नंबर टू एंड दिस इज नंबर थ्री। ये तीनों याद रखिए। एक आपकी क्या, ग्लोमेरुलस का जो एंडोथीलियम है तो वो ब्लड वेसल ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट के उस साइड क्या है आपकी एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, विसरल एपिथीलियम। सिंपल, ओके, परफेक्ट। हाँ जी, कॉर्निया तक तो ब्लड नहीं जाता, देन हाउ डू दे वर्क? सिंपल डिफ्यूजन, कॉर्निया के पीछे जो है आपका लेयर उसमें तो ब्लड जा रहा है ना, वहां से ब्लड डिफ्यूज कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपके स्किन में भी ब्लड नहीं आता है। स्किन इज मेड अप ऑफ एपिडर्म, एपिथीलियम सेल्स आर एवास्क्यूलर, दे डोंट हैव ब्लड सप्लाई। तो क्या वो कहाँ से लेते हैं ब्लड? नीचे अंडरलाइन टिश्यू से डिफ्यूज होता है, O2CO2। सिंपल। Now the epithelial cells of Bowman's capsule called as podocyte, अभी बताया, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called as filtration slit or slit pore। तो मैंने आपको यहाँ बताया था बना के, यू कैन सी हियर, ये छोटे छोटे फिल्ट्रेशन पोर्स या स्लिट पोर्स है, उसके थ्रू आपका जितना अलाउ होता है सॉल्यूट वही आपकी आती है ग्लोमेरुलस से। तो ग्लूकोज अलाउड है, फ्रक्टोज अलाउड है, अमाइनो एसिड अलाउड है, Na+ अलाउड है, Cl-, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर। ओके, लार्जर प्रोटीन्स, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स अलाउड नहीं है, तभी वो कैप्सूल में आते ही नहीं है। Correct? Now, blood is filtered so finely through these membrane that almost all constituents of plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule। तभी हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं। इतना हेवी फिल्ट्रेशन होती है कि चाय पत्ती, अदरक, इलायची सारी रुक जाती है स्ट्रेनर पे, दैट इज मेम्ब्रेन पे, रेस्पिरेटरी योर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे। Correct? Now, the amount of filtrate formed by the kidney per minute is called as glomerular filtration rate। जो आपका filtrate यहाँ आया है, ये जो अभी filtrate होके आई है चीजें आपके blood में से, वो कितना होता है पर मिनट? हर एक मिनट आपका 125 ml आता है। तो एक दिन में कितना आता है? 180 लीटर पर डे। 180 लीटर यहाँ आया है, इमेजिन करो। तो 180 लीटर ही यहां से निकल जाएगा क्या यूरिन बन के? यूरिन कितना निकलता है पर डे? 1.5 लीटर पर डे। मतलब 180 से आपने सिर्फ 1.5 निकाला, 99 से भी ज्यादा परसेंटेज आपने रीअब्सॉर्ब कर लिया। इतना अमाउंट ऑफ तो पानी भी पीते हैं। 180 लीटर पानी पीते हो आप दिन में, जो एक दिन में इतनी ज्यादा यूरिन आउटपुट होगी नहीं, तो आप रीअब्सॉर्ब करते हो बॉडी में, है ना, बॉडी में आप उन सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब करते हो, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब ग्लोमेरुलस से किस तरह से फिल्ट्रेट होके आ रही है कैप्सूल में, दैट इज द रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 125 ml पर मिनट, अभी बताया, और 180 लीटर्स पर डे भी हम इसे बोल सकते हैं। Correct? Now, the kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is called as juxtaglomerular apparatus। ये जो आपका GFR rate मैंने बताया, ये GFR rate अगर बढ़ गया, हाई हो गया या घट गया तो तकलीफ है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास JGA सेल है। स्पेशली जब आपका GFR रेट जब घटता है तो JGA सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। JGA सेल्स मीन्स योर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। यस गरिमा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? नॉर्मल फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन आप देखते हो ना, आपके एंडो ब्लड वेसल और टिश्यूज के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बनती है, करेक्ट, और आपके यहाँ पे हमने वो जो स्लिट है, फिल्ट्रेशन स्लिट जो पोडोसाइट बनाती है, वो कहीं और दिखती है आपको, नहीं दिखती है। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट जो पोडोसाइट्स बनाती है वो क्या कर रही है, आधी से आधी चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही है आना ब्लड से। उन चीज़ों को अलाउ नहीं करिए जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लूज करना. करेक्ट, लार्जर प्रोटीन्स जैसे फाइब्रिनोजन, जैसे एल्ब्यूमिन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तीन तीन लेयर्स बनी हुई है उसमें, एक एंडोथीलियम, एक एपीथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. Anyway, JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal convolvule and the afferent arteriole at the location of their contact. मतलब क्या है ये, अगर suppose आपकी this is your Bowman's capsule, okay, ये आपकी PCT है suppose यहाँ पे, और यहाँ पे आपका suppose DCT है, this is the DCT. इस तरह से नीचे से आया है, let's imagine that. Okay, मैं बस रफ डायग्राम करके बता रही हूँ. और यहाँ आपका कलेक्टिंग डक्ट में चला गया है. समवेयर हियर योर इफरेंट आर्टेरियोल इज प्रेजेंट. ये आपका सपोज इधर से इफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है. दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल. इसने ग्लोमेरुलस बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी एफरेंट आर्टेरियोल, इसने इफरेंट बनाया. दिस इज इफरेंट, दिस इज एफरेंट. तो आपके यहाँ पे इफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल में आपको दिखेगा जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट होता है डीसीटी में. ये टोटल मिला के आपकी जेजी एपरेटस बनाता है. मैंने जेजी एपरेटस का एकदम डिटेल स्टडी कराया और डिटेल्स में पढ़ाया स्पेशल क्लास में. लैसिस सेल्स क्या है, जेजी सेल्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन देयर. सो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. सो अगर आपकी जीएफआर रेट कम हुआ, इफ देयर इज अ फॉल इन द जीएफआर रेट 125 ml पर मिनट ना बन के उससे कम बन, राइट, कैन एक्टिवेट द जेजी सेल. जेजी सेल कहाँ पे प्रेजेंट है? एफरेंट आर्टेरियोल में. ओके, टू रिलीज व्हाट? रेनिन, व्हिच कैन स्टिम्युलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल. इसी में तो हम राफ सिस्टम पढ़ते हैं. आप जो पूछ रहे थे, तो मैं एक बार राफ सिस्टम यहाँ पे सिंपल तरीके से समझा देती हूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली इज योर राफ सिस्टम. राफ का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है. देखो, सबसे पहले आपका जीएफआर नॉर्मल था. जैसे जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम हुआ तो किसको पता चला? ब्लड को पता चला, क्योंकि जीएफआर कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी लो होगा. जैसे लो ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड को पता चला, और आपके एफरेंट आर्टेरियल में तो ब्लड ही है ना, उसने आपके जेजी सेल को स्टिम्युलेट किया. दिस थिंग हियर, इट स्टिम्युलेट्स द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन. अब रेनिन का काम क्या है? वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है. लेकिन एंजियोटेंसिन आएगा कहाँ से? एंजियोटेंसिनोजेन आएगा कहाँ से? एंजियोटेंसिनोजेन आएगा कहाँ से? लिवर से आएगा. बट लिवर को कैसे पता चलेगा कि उसको ये रिलीज करना है? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है. ब्लड प्रेशर तो सिर्फ आपके किडनी को नहीं पता चलता है, ब्लड तो हर एक जगह जा रही है, तो आपके लिवर में भी जाएगी. गुड इवनिंग अनुष्का, वेलकम टू द क्लास. लिवर में भी जाएगी, लिवर को भी पता चला कि ब्लड प्रेशर कम है, तो इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द लिवर टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजेन, जिसको रेनिन कन्वर्ट करेगी इनटू अ प्रीकर्सर, एक्टिव प्रीकर्सर, विच इज कॉल्ड एज एनजीओ टेंसिन वन. प्रीकर्सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अभी तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया है. फाइनल प्रोडक्ट अभी बनेगी. कौन बनाएगा इस फाइनल प्रोडक्ट को? इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. इसको कौन रिलीज करता है? लंग्स करता है. लंग्स को कौन बोलेगा इसको रिलीज करने के लिए? अगेन लो ब्लड प्रेशर. और इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजेन वन इंटू एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 जो है, इट वर्क्स इन 3 डिफरेंट वेज. तीन तरह से काम करती है. एक तो आपका मेन एम क्या था? आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना था, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया तभी तो जीएफआर लो हुआ है. तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे. सो दिस एंजियोटेंसिनोजेन एक्ट एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया. आपका एम पूरा हो गया. आपको जीएफआर बढ़ाना था, ब्लड प्रेशर बढ़ा दो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी पर मिनट. करेक्ट. दूसरा काम ये क्या करता है? ये जाके आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस. न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है बच्चों? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी. करेक्ट. न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलता है कि तुम एडीएच रिलीज करो, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं. एडीएच का काम क्या है? एक तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो वो काम तो ये कर ही रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टर है ये. दूसरा काम क्या है एडीएच का? ये H2O रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम डीसीटी. H2 आपके ब्लड में अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो ब्लड की लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी ना, गाढ़ा ब्लड धीरे धीरे जाएगा, पतला ब्लड, लिक्विड ब्लड, डाइल्यूट ब्लड फास्ट जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, सो इट इज गोइंग टू कॉज H2O रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम DCT, दोनों से ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तीसरा जो जॉब है आपके एंजियोटेंसिनोजेन 2 का, एंजियोटेंसिन 2 का, वो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि तुम जल्दी से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो, विच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इट कॉजेस Na+ रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम, कहाँ से, DCT से, फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बढ़ गया आपका Na+। जितना ब्लड में बढ़ेगा ब्लड का ब्लड प्रेशर भी उतना बढ़ेगा, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, करेक्ट, यही चीज़ बताई गई है। सो लेट्स सी, यही आपका रास सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, दैट इज 180 लीटर्स, विथ दैट ऑफ यूरिन रिलीज, दैट इज 1.5 लीटर्स, सजेस्ट that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by renal tubules। ये मैंने आपको पहले ही बताया है ना, जस्ट अभी बोला कि 180 लीटर्स बना रहे थे आपकी बॉडी, है ना, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लेकिन यूरिन 1.5 लीटर है, तो 99% आपकी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर रही है। कौन करेगा ये? आपके ट्यूब्यूल्स, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले। सो लेट्स सी दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन, जो दूसरा प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के, यहाँ पे एक ही डायग्राम में आपको मैं रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों समझा दूंगी, करेक्ट। तो सपोज ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी PCT है। सिंगल डायग्राम में वी विल सी बोथ रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। चलो असेंडिंग भी बना लेते हैं, यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बना लिया मैंने, ओके। फिर आपकी DCT बना लेते हैं, ये DCT है, ओके, ये DCT है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इन सब में हम देखेंगे कि क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है और क्या सिक्रीट हो रहा है, सो विल वॉच एवरीथिंग हियर, ओके। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर पता है, कौन सा PCT है, कौन सा बोमेंस कैप्सूल है। अच्छा ठीक है, चलो लिख देती हूँ, ये बोमेंस कैप्सूल है, दिस इज PCT हियर, दिस इज योर D, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, 1 मिनट, दिस थिंग हियर इज योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस थिंग हियर इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, देन योर DCT हियर and then your collecting duct, okay। चलो देख लेते हैं। now let's see here what RAS और RAS, there is nothing called as RAS, at least zoology में तो हम RAS नहीं पढ़ते, अगर कहीं पढ़ा भी है तो डेफिनेटली गलत है, RAAS ही होता है। anyway so let's see here, तो जितने भी मैं यहाँ ब्लू कलर से टिक करूंगी that would be your what, reabsorb हो रहा है वो, ठीक है, reabsorb हो रहा है, reabsorption। और जितने भी मैं येलो कलर से बनाऊंगी या लिखूंगी दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर सिक्रीशन, वो आपकी सिक्रीशन शो करेगी। सो लेट्स सी, सबसे पहले रीएब्सॉर्ब क्या हो रहा है। रीएब्सॉर्ब आपके PCT से होगा Na+, Cl-, ठीक है, K+, H2O ऑब्वियसली, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फ्रक्टोज, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे के सारे आपके रीअब्सॉर्ब हो गए। कहाँ से? ट्यूब्यूल से निकल के कहाँ पे गए, वेयर, कहाँ पे गए, मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में, किडनी सेल्स में गए, ओके, हाँ जी, व्हाट, एनीवे, चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलो, तो ये आपकी सारी रीअब्सॉर्प्शन हो गई। 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन आप PCT में देखोगे। लेट्स सी हियर, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, लेट्स रीड इट अप हियर। सी, द टिब्यूलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर एक्टिवली और पैसिवली। कुछ एक्टिवली होता है, कुछ पैसिवली होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट इट हियर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप PCT देखो, PCT अगर आप देखो, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ, ये पूरा डायग्राम मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, लेट मी राइट। अगर आप पीसीटी देखो तो पीसीटी में आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड कैटायंस, जितने भी कैटायंस है, कैटायंस जैसे कि Na+, जैसे कि K+, जैसे कि Mg2+, ये सारे के सारे दे आर रीएब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, रीएब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, ओके। और आपके जो एनायंस है, एनायंस जितने भी होते हैं, एनायंस जैसे कि आपके बाइकार्बोनेट आयंस है ना, या Cl-, और अगर आप वाटर भी देख लो, इनका कैसे होता है, रीएब्सॉर्ब पैसिवली। ये है रीएब्सॉर्ब पैसिवली, आपके डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। एंड वाटर का तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस चल ही रही है, ये भी डिफ्यूजन से हो रहा है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप क्या देखते हो, ओनली H2O रीएब्सॉर्प्शन होता है, वहां से आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी डिसेंडिंग से। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप क्या देखते हो, यहाँ पे Na+ एंड Cl- की Na+ की एक्टिव होगी और Cl- की पैसिव होगी। H2O का कोई भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि इट इज इम्परमेबल टू H2O। कौन? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। DCT में हम क्या देखेंगे, DCT में आपके Na+ and Ca2+, that is calcium, is reabsorbed actively under the influence of hormone। एक hormone के influence में ही ये दोनों actively reabsorb होगी, under the influence of hormone। हम ये NCERT में भी देख लेंगे क्या लिखा है, influence of hormone। कौन कौन से hormone? Na+ का होगा under the influence of aldosterone, अभी पढ़ा, और कैल्शियम का किसके अंडर होगा, पैराथ हार्मोन, जो आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करती है, क्योंकि पैराथ हार्मोन का काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना, राइट। तो कैल्शियम को अगर आप नेफ्रॉन से रीअब्सॉर्ब कर लोगे तो बढ़ जाएगा ब्लड में ऑटोमेटिकली। सो लेट्स सी, यही चीज लिखा हुआ है क्या, देखो, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, Na+ एटसेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, ओके, रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, वेयर एज नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of the nephron. During the urine formation, the tubular cells secrete substances as well, जैसे कि H+, K+, ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also important step in urine formation as it helps in maintain of ionic and acid balance of the body. ठीक है, बताती हूँ कैसे हो रहा है ये आपका। Let me show you here in the diagram। तो आपकी reabsorption मैंने बता दी बच्चों, ठीक है। अब सिक्रीशन बोलती हूँ, सिक्रीशन किन किन चीज़ों का हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है NH4 का, करेक्ट, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है यूरिया का, H+ आयन का, क्रिएटिनिन का, पीसीटी में सारा क्रिएटिनिन का, एंड सर्टेन ड्रग्स भी, सारे के सारे आपके पीसीटी में यहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये बॉडी से बाहर निकाल के फेंकना है, इसीलिए। चलो, DOH, DLOH, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप क्या देखोगे, ओनली वाटर रीएब्सॉर्प्शन। ALOH में आप क्या देखोगे, बोथ Na+ एंड Cl- रीएब्सॉर्प्शन। DCT में क्या देखोगे, Na+ भी रीएब्सॉर्ब हो रही है, Ca2+ हो रही है रीएब्सॉर्ब, आपकी बाइकार्बोनेट आयंस रीएब्सॉर्ब हो रही है, और आपके Cl- भी हो रहा है, एंड ऑब्वियसली H2O, Cl- नहीं H2O हो रहा है। ये होता है किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। सिक्रीट क्या क्या हो रही है DCT में, चलो सिक्रीट का येलो कलर से मैंने बताया था, दिखाऊंगी। यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है K+, H+, NH4, दैट्स ऑल। कलेक्टिंग डक्ट में आप क्या देखोगे, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे सिक्रीट एक और चीज हो रहा है आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, यूरिया सिक्रीट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट में आप क्या देखोगे, कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हो रही है वाटर, यहाँ से रीअब्सॉर्ब होती है वाटर, अगेन टू मेक द यूरिन मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये एक सिंगल डायग्राम में आपका रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों मैंने यहाँ पे बताया। लेट्स सी आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। चलो, पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। सिंपल मतलब एक लेयर ऑफ सेल है, इस तरह से प्रेजेंट है, समथिंग लाइक दिस दे अपीयर, एक सेल है, ठीक है, दिस इज वन सिंगल सेल, एक और सेल एक लेयर बना, ठीक है, एक लेयर बन रहा है, एक और सेल उसका सेल लेयर बना, एक और सेल उसका सेल, इस तरह से सेल बन रहा है, ये दिस इज सिंगल सेल लेयर, इसलिए सिंपल बोल रहे हैं। ब्रश बॉर्डर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें माइक्रोविलाई इज मॉडिफाइड, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रेगमेंट मॉडिफाइड है। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्यूबॉइडल शेप्ड है ये। इट इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ रीएब्जॉर्प्शन नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज 70 to 80%, इसको याद रखिएगा, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, that is Na+K+Cl- bicarbonates and so on, and water are reabsorbed by this segment. PCT also helps, मतलब 70 to 80% PCT ने कर लिया, बाकी बचा हुआ कौन करेगा? लूप ऑफ हेनले करेगा और DCT करेगा। PCT also help in maintain of pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of the hydrogen ion, ammonia and potassium ions. अभी बताया था सिक्रीशन किस किस का हो रहा है, H+ का हो रहा है, अमोनियम आयंस का हो रहा है, और किसका हो रहा है? पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म फ्रॉम इट। बाइकार्बोनेट आयंस इज एन एनायन, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? पैसिवली होगा। अभी बताया था आपको, एक यहाँ पे लिख के बताया था ना, किसका होगा? जितने भी एनायंस है वो पैसिवली होता है, जितने भी कैटायंस है वो आपके एक्टिवली होता है, रीएब्सॉर्ब, करेक्ट। ओके, लूप ऑफ हेनले, रीएब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर जा रहा है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैसे? क्योंकि आपके इन केस ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आप क्या देखते हो कि सिर्फ Na+Cl- ही एब्जॉर्ब हो रही है, वाटर अंदर ही है, तो Na+Cl- जब बाहर जाएगी तो बाहर वाला एरिया हाइपरटोनिक हो जाएगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल, अंदर क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ अंदर हाइपर है, क्योंकि Na+ और Cl- तो अंदर ही पड़ा, तो ये हाइपर हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा? हाइपो, क्योंकि इसने H2O बाहर फेंका तो डाइल्यूट होगा ना मेड्यूलर इंटरस्टिशियम आपका, करेक्ट। नाउ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग वाला, तभी तो यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है डिसेंडिंग में, DLOH में, परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तभी Na+Cl- बाहर नहीं जा रही है, करेक्ट। ओके, हेलो छवि, वेलकम टू द क्लास। दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन एंड द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली, बताया था पूरा, ये दोनों पेजेस में लिखा हुआ है बच्चों, इसमें डायग्रामेटिकली वे में लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरा प्रॉपर रिटर्न में भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही आप ले सकते हो, मैं इसका PDF भी अपलोड करा दूंगी, ठीक है। नाउ एक्टिवली और पैसिवली, देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्टर पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। क्या बोल रहा है? जैसे आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हाइपर था ना, यहाँ अंदर क्या था? हाइपर था, ये हाइपर जा रहा है ऊपर, लेकिन यहाँ जाके ये हाइपो हो गया, क्यों? क्योंकि Na+Cl- मतलब मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर फेंक दिया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो गया अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो गया टिब्यूल में, बाहर ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा, डाइल्यूट होता रहेगा, करेक्ट। यहाँ भी देखो मैं Na+ को बाहर निकाल रही हूँ, यहाँ मैंने H2O को भी बाहर निकाल रहा है, तो आइसोटोनिक हो जाएगा वहाँ पे, करेक्ट। लेट्स सी हियर नाउ, डिस्टल कॉर्नेट टिब्यूल क्या करता है? Conditional, hello TS, welcome to the class. Conditional reabsorption of Na+ and water takes place in this segment. Conditional क्यों बोल रहे? क्योंकि जब हार्मोन प्रेजेंट होगा तभी ये करेगा। कौन से हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन, ADH and पैराथ हार्मोन। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate, वो मैंने ऑलरेडी दिखाया है, बाइकार्बोनेट का reabsorption वो कर रहा है DCT, करेक्ट। Selective secretion of hydrogen ion, potassium ions and NH3 to maintain pH and sodium potassium balance in the blood। तो secretion भी मैंने दिखाया ना, तीन के तीन, Ka+H+ and ammonia। Collecting duct क्या कर रहा है? This long duct extend from cortex of the kidney, cortex से लेके एकदम नीचे medulla तक जाती है और बाहर pelvis बन जाती है, renal pelvis, शुरुआत में बताया था। Large amounts of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium and keep up the osmolarity। मैंने क्या बोला कि ये थोड़ा बहुत आपका water reabsorb करता है ना। Large amount लिखा है but not larger than PCT। PCT ने तो already 80% water कर लिया था, उसके बाद जो बाकी बचा उसमें से ज़्यादा आपका collecting duct करता है, ठीक है, इट प्लेस अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। ओके, चलो यहाँ पे वही डायग्राम यहाँ भी बनाया हुआ है जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बच्चों आपको बना के दिखाया है। इन अ प्रॉपर वे सारी चीजें वहां पे मेंटेन है, तो आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। इट इज योर विश, यू कैन फॉलो एनीथिंग यू वांट। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ये मेंटेन कैसे करेगा? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक सिंपल मतलब होता है, काउंटर करंट का मतलब होता है एंटी पैरेलल मूवमेंट, ऑपोजिट मूवमेंट। एंटी पैरेलल मूवमेंट क्यों? अगर आप देखो इन दिस, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आपके फ्लूइड का इन द टिब्यूल नेफ्रॉन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दोनों की ऐसे एंटी पैरेलल है। अब आपको पता है कि इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? वासा रेक्टा प्रेजेंट है इस तरह से। और वासा रेक्टा कहाँ से अराइज हुआ है? वासा रेक्टा अराइज होता है आपके इफरेंट आर्टेरियोल पेरिटिबुलर कैपिलरीज। तो उसका डायरेक्शन कैसे हुआ? ऐसा हुआ है ना, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट, इसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट, एंटी पैरेलल मूवमेंट। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, फ्लो है, वो हेल्प करता है आपकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। सो मैमल्स हैव द एबिलिटी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ओके, सॉरी, एक्सक्यूज मी। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, राइट? द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। क्यों? क्योंकि आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म इज सीन बिटवीन द वासा रेक्टा एंड द लूप ऑफ हेनले। ये आपका, सपोज ये है आपकी लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, ओके, और एंड दिस इज योर वासा रेक्टा, ठीक है। डायरेक्शन भी दोनों का बता देती हूँ। लिक्विड का डायरेक्शन इस तरह से हो रहा है आपके, यूरिन का डायरेक्शन इज दिस, फिल्ट्रेट का डायरेक्शन, और ब्लड का डायरेक्शन इज दिस, उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक बार मैं आपको यहाँ पे लेबलिंग भी कर देती हूँ। दिस इज योर LOH, लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज नथिंग बट योर वासा रेक्टा। ये आपका क्या है? दिस इज दी वासा रेक्टा हियर, opposite direction, counter current mechanism. Now, the flow of filtrate in the two legs of loop of Henle is in opposite direction, मतलब ascending में ऊपर जा रहा है और descending में नीचे आ रहा है, तो opposite direction है, and thus forms a counter current, opposite current. Okay, the flow of blood through the two limbs of vasa recta is also counter current. एक डिसेंडिंग वासा रेक्टा, एक एसेंडिंग वासा रेक्टा, तो उल्टा वहां भी हुआ, दोनों में काउंटर करंट आपको दिख रहा है, करेक्ट। नाउ द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मतलब क्या है? यहाँ देखो टुवर्ड्स द इनर, देखो ऊपर आपके, ये दिस इज वासा रेक्टा एंड दिस इज योर नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले। ऊपर लूप ऑफ हेनले में आप क्या देख रहे हो? ऑलमोस्ट अराउंड 300 है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अराउंड 300-400 है, यहाँ भी आप उतना ही देखोगे सेम वासा रेक्टा में। जैसे जैसे नीचे जा रहा है लूप ऑफ हेनले, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, 400 से 600, 800, 1000, एंड सबसे ज़्यादा है बेस में 1200। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या बोला था कि योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज परमिएबल टू H2O बट इम्परमिएबल टू Na+। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप क्या देखते हो? बढ़ता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+Cl-, तो हाइपरटोनिक हो रहा है ना, और बाहर वो H2O को फेंक रहा है, तो बाहर क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। अंदर क्या हुआ? हाइपरटोनिक। तो नीचे जाते तक वो हाइपर होगा, बहुत ज्यादा हाइपर, ऑलमोस्ट अराउंड 1200 ml एट द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले। जैसे ही वो ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ पे क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू Na+Cl-। ये सॉल्यूट, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर फेंक रहा है और अंदर H2O का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से, तो अंदर क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा, बाहर हाइपर हो जाएगी। तो देखो कम घट रहा है धीरे धीरे, 900, 600, 400। Okay, correct. So this is how they are creating nothing but a counter current mechanism, right? This is the entire. ये आपको usually human kidney में दिखेगा. So that is why we say that human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. जो Bowman's capsule में filtrate बना था, उससे भी ज़्यादा 4 times ज़्यादा concentrated होती है, correct? अब जैसे कि मैंने आपको ये एडीएच का फंक्शन पहले ही बता दिया राफ सिस्टम में, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार रीड आउट करेंगे हम, क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी में। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन द हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। क्यों? हाइपोथैलेमस क्या क्या रिलीज कर रही थी? हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर रही थी एडीएच, जो आपके टीसीटी से क्या करवा रहा था, H2O को रीअब्सॉर्ब करा रहा था। जेजीए क्या रिलीज कर रही थी? रेनिन क्या कर रहा था? रेनिन आपकी रास सिस्टम को स्टार्ट कर रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। हार्ट क्या प्रोड्यूस करेगी? ANF। इसका फंक्शन क्या है? एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर का। इट विल वर्क अगेंस्ट द रास सिस्टम। जैसे आपने ब्लड प्रेशर बढ़ाया, वे यू आर फॉर्मिंग नथिंग बट द ब्लड प्रेशर देयर, करेक्ट? हाँ जी, हाँ, ऑस्मोलरिटी एक्सीड कर सकता है। गरीब आप इंजेक्शन लो, अपने नेफ्रॉन में डाल दो सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट, अपने आप बढ़ जाएगा ऑस्मोलरिटी, ठीक है? बॉडी मेंटेन करिए, नॉर्मली मेंटेन करेगी ना, जितना आया है उतना, अलग से थोड़ी ना Na+Cl- और आ रहा है, जितना ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके आया था उसी को ही हम कंसीडर करेंगे, उतना ही आया है। और एक्स्ट्रा तो कोई इंजेक्शन से डाल नहीं रहा है ना अंदर आपके लूप ऑफ एनले में, डू यू अंडरस्टैंड? तो एक्सीड कैसे करेगा? उतना ही आया था पहले ही ऊपर से नीचे। ओके चलो, तो ANF क्या करता है? इट प्रिवेंट्स दी रास सिस्टम फंक्शन, तो वो एंटागोनिस्टिक फंक्शन शो करता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से आपने रास सिस्टम शुरू किया था। अब इतना हाई ब्लड प्रेशर है, वेन्स में भी प्रेशर बढ़ गया। वेन्स में यूजुअली प्रेशर लो होता है, एट्रिया में आर्टरीज में ज़्यादा होती है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर वेन्स में है, वो जाके आपके राइट एट्रियम के वॉल को धक्का मार रहा है, क्योंकि सारे वेन्स तो आपके राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। तो राइट एट्रियम का जो वॉल है वो रिलीज करता है आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या रिलीज करता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करती है? वैसोडाइलेटर। इसका काम क्या है? ये ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है। इट्स अ वैसो डाइलेटर। ये ब्लड वेसल को डाइलेट कर देगी। डाइलेट कर दिया तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर घट गया। ओके ना, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है? जितने भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है बॉडी में, जो आपकी ऑस्मोलैरिटी के चेंज होने से एक्टिवेट हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, राइट? दे आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, body fluid volume and ionic concentration. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulates the hypothalamus to release ADH. सेम चीज़ रास में पढ़ाया, वही चीज़ वो बता रहे हैं, है ना? अगर आपका बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम अचानक से, आपने क्या देखा, ज़्यादा लॉस हो रहा है, फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर कम है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है ग्लोमेरुलस से, ज़्यादा फिल्ट्रेट बन रहा है, वही डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। डाइल्यूट यूरिन बन रहा है मतलब H2O लॉस हो रहा है, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, Na+ लॉस हो रहा है, नाइट्रोयूरेसिस, तो आपको रोकना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? रास सिस्टम से शुरू किया, जिसने ADH को रिलीज करा, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। मैन्युफैक्चरर कौन है आपके ADH का? हाइपोथैलेमस। स्टोर कौन करके रखता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये आपने पढ़ा होगा। ओके परफेक्ट। नाउ ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम लैटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। लैटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, करेक्ट? देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बन जाना और एक्सेसिव फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस ADH। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया तो सब बंद करना पड़ेगा हमें ADH, वरना बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर, यू विल डाई ऑफ हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, करेक्ट? ओके परफेक्ट। ना रिलीज ऑफ कंप्लीट फीडबैक, पूरा आपके रास सिस्टम को किसने बंद कर दिया है? ANF ने। ADH कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल। मैंने बोला ADH आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, यहाँ पे शुरुआत में लिखा था, शो यू, मैंने रास सिस्टम पढ़ाया था अभी जस्ट, कहाँ गया? ये रहा। मैंने क्या बोला था कि ADH वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, बोला था कि नहीं? ADH H2O का भी रीअब्सॉर्प्शन कराती है फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज DCT एंड CD। ओके आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया? ये रहा। दिस कॉज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। कौन कॉज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर? ADH ने ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, करेक्ट? एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई द GFR। जो चीज मैंने बोला कि आपका मेन एम क्या है जब रास सिस्टम फंक्शन कर रही है, व्हाट इज योर मेन एम? टू इंक्रीज द बीपी, क्योंकि बीपी लो है। बीपी इंक्रीज करने के लिए आप देखो एंजियोटेंसिन से तीन काम करवा रहे हो, बीपी बढ़ गया, जीएफआर रेट अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी रास सिस्टम चल पड़ी। अब रास सिस्टम को बंद भी करना है, उसके लिए एएनएफ है हमारे पास, राइट। जेजीए सेल्स प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, क्योंकि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड और प्रेशर विल आस्क और एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। वही चीज जो मैंने अभी आपको एक सिंगल पेज में समझाया, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रेनिन किसने रिलीज किया? किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में, राइट, विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फिर फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2, जो एसीई करता है। पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ओके। हाँ जी, रास सिस्टम इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर ताकि आपका वो भी बढ़ जाए, जीएफआर रेट भी बढ़ जाए, ठीक है, तो बस में था ना। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर लिखा था, increases the glomerular blood pressure and thereby GFR. Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of Na+ and water from the distal part of the tubule, and this also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism. यही same चीज लिखा हुआ है, तीनों process लिखा हुआ है, एक और बार देख लो अगर भूल गए हो तो। नंबर 1 खुद ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। नंबर 2 एडीएच रिलीज करवाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। नंबर 3 एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलता है एल्डोस्टेरोन रिलीज करो ताकि Na+ का रीअब्सॉर्प्शन हो पाए, ठीक है, परफेक्ट। नाउ an increase in the blood flow to the atria of the heart can cause release of atrial natriuretic factor। इतना ज़्यादा high blood pressure हो गया कि veins में पड़ गया, वही veins आपके heart में जा रही है बिना के बवन के, heart के wall को धक्का मार रही है। heart के wall ने क्या release किया? ANF। it is going to stimulate your right atrial wall to release ANF, atrial natriuretic factor। ANF can cause vasodilation, ऊपर ही लिख दिया था यहाँ पे मैंने, ANF का function यहाँ पे लिख दिया था, vasodilator है वो, correct। thereby decreases the blood pressure, तो एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहा है, ये रास के अगेंस्ट काम कर रहा है, दोनों का होना जरूरी है। फीडबैक मैकेनिज्म, एएनएफ मैकेनिज्म देयरबाय एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म, ठीक है। ये इसको हम RAAS लिखते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ही लिखा हुआ है। एनीवे, अब मिक्सचुरेशन, अब तो सब कुछ तो बन गया बाबा, यूरिन बन गई, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर दिया, अब हमें निकालना कैसे है इस चीज को? हाउ आर वी गोइंग टू मिक्सचुरेट? मिक्सचुर इज नथिंग बट वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लडर, रिलीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ये आप कैसे करोगे मिक्सचुरेशन प्रोसेस? तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया था रिसेंटली, अभी स्पेशल क्लास में पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। Where, कहाँ कैसे लेके जाता है वो? यूरेटर के थ्रू लेके जाता है। Where it is stored till the voluntary signal is given by central nervous system, है ना। This signal is initiated by stretching, बताती हूँ ये पूरा पढ़ के मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में समझा दूंगी। Stretching of urinary bladder as it gets filled with urine. In response, the stretch receptor on the walls of the bladder sends signal to CNS, and the CNS passes on the motor messages to initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter, causing the release of urine. बताती हूँ सिंपल वे में, देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ओके, ये आपका यूरिथ्रा है, दिस इज योर यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो खाली छोटी सी पाउच बैग है उसे हम बोलते हैं ट्राइगोन, ये हो गया आपका ट्राइगोन, ओके। यूरिनरी ब्लैडर बना किस चीज से होता है? आउटर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ नथिंग बट योर डेट्रूसर मसल, जो स्मूथ मसल है, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट डेट्रूसर मसल, ओके। और अंदर की तरफ इनर वॉल किस चीज से बनी हुई होती है? इनर वॉल इज मेड अप ऑफ नथिंग बट ट्रांजिशनल एपीथेलियम, जो कि कंपाउंड एपीथेलियम है ना। ट्रांजिशनल का मतलब भी समझाया था कि व्हाई वी कॉल इट एज ट्रांजिशनल एपीथेलियम। सो लेट मी राइट इट है, दिस इज योर ट्रांजिशनल एपीथेलियम, ओके। और यहाँ आपके यूरेटर से आ रहा है यूरिन, यहाँ पे यूरेटर आके ओपन हो रहा है, करेक्ट। आपके यूरिन के वॉल पे, ब्लैडर के वॉल पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ नथिंग बट स्ट्रेच रिसेप्टर्स. इस तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. यूरिनरी ब्लैडर का नॉर्मल जो आपका वॉल्यूम जितना कैपेसिटी इट इज अराउंड 500 to 700 ml. बट when the urinary bladder is half filled, when the urinary bladder is half filled मतलब कितना almost 250 ml. जब देखोगे आपको लग रहा है कि मुझे ना बाथरूम जाना है, मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना पड़ेगा यार, nature's call. वो कब फील आता है आपको? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 250 ml, तब आपको ये फील आती है. बट ऐसा ये फील आते ही वहीं बैठे बैठे आप यूरिनेट कर देते हो? आप देखते हो कि मौके का इंतजार किया, अरे अभी आराम से जा सकता हो, या कहीं किसी काम में फंसे हो तो आप रोक भी लेते हो. ऐसा नहीं कि तभी आपको यूरिनेट करना ही है या अपने आप निकल जाएगी, ऐसा नहीं है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपकी यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होती है, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ना, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एक मिनट बच्चों, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड या स्टिम्युलेटेड. ओके, ये स्टिम्युलेट होता है एंड इट सेंड्स सिग्नल टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पहले इसकी बात करती हूँ. ये क्या करता है, लेट्स सी हियर. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो काम करता है. इट कॉन्ट्रैक्ट्स द डेट्रूसर मसल, जो आपकी स्मूथ मसल है, वही चीज लिखी हुई थी अभी आपके एनसीईआरटी में. इट कॉन्ट्रैक्ट्स, द डेट्रूसर मसल. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा डेट्रूसर मसल तभी तो नीचे यूरिन आएगा. और इट रिलैक्सेस द इंटरनल स्फिंक्टर. अब ये इंटरनल स्फिंक्टर क्या है, जहां पे आपकी ट्राइगोन यूरिथ्रा में ओपन हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरनल स्फिंक्टर. ये इंटरनल स्फिंक्टर क्या करती है, ये रोक के रखती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में. अगर ये खुली होती तो हमेशा यूरिन नीचे ही गिरता रहता 24 घंटे टप टप टप. ठीक है, तो ये इंटरनल स्फिंक्टर इसे बंद करके रखती है. लेकिन अभी यूरिन आपका फुल हो चुका है, ब्लैडर आपका हाफ फिल्ड हो चुका है, तो अगर यहाँ पे डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे स्फिंक्टर भी बंद है, यूरिनरी ब्लैडर बर्स्ट हो जाएगा. तो इसको रिलैक्स करना पड़ता है ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर का डेट्रूसर मसल तो नीचे यूरिन आएगी. ठीक है, और CNS क्या करता है, ये नीचे यहाँ पे आके यूरिन रुकी हुई है, अब आपके ऑर्डर की इंतजार है, वो ऑर्डर कौन देगा, CNS क्या करता है, वॉलेंटरी वॉइडिंग. वॉइडिंग का मतलब होता है एम्प्टिंग, खाली करना, वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो अभी आपने देखा, अभी ठीक है मौका, ठीक है मैं घर भी पहुंच चुका हूँ, अभी बस से उतर चुका हूँ, अभी अब सामने बाथरूम दिख रहा है, अब आप जाके आराम से यूरिनेट कर सकते हो. मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इसे बोलते हैं, वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ओके, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर डैमेज हो तो आपकी यूरिनेशन नहीं होगी, एन्यूरिया. ओके, एन्यूरिया बोलते हैं उसको फिर. ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये आपका ऑब्वियसली एंटायर नथिंग बट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मैं एक बार लिख देती हूँ इसको बच्चों, बोलते हैं हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. ओके, अब देखते हैं क्या लिखा है. कुछ और जो आपके बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बारे में. तो यहाँ बोला है कि अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. जैसे लंग से आप CO2 रिमूव करते हो अप्रॉक्सीमेटली 200 ml per minute, right, approximately 200 ml per minute, and also significant quantities of water every day. लिवर क्या करता है, लिवर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या क्या एक्सक्रीट आउट करता है, बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है लिवर आपका, करेक्ट. मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट, मतलब वो आपके डिफिकेशन के साथ ही निकलता है. स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सेक्रीशन. जैसे स्वेट के थ्रू यूरिया भी एक्सक्रीट होता है. बाय द वे, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग Na+Cl- तो वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है. स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये बात याद रखिए कौन करता है, ये स्वेट के थ्रू होता है. लैक्टिक एसिड भी, ओके, तभी तो बोलते जो स्वेट है इट इज एक्चुअली हेल्पफुल, इट प्रिवेंट्स योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि वो एसिडिक है ना, तो वो कुछ बैक्टीरिया उसमें नहीं ग्रो हो पाती है. ओके, परफेक्ट. नाउ दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इवापोरेशन जो हम पढ़ते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सर्टेन वेस्ट मेंशन अबव, व्हिच वेस्ट यूरिया, लैक्टिक एसिड, Na+Cl-. Sebaceous gland जो oil gland है, eliminate certain substances like sterols, hydrocarbon and waxes through your sebum, है ना, जो आपकी oil gland है. This secretion provides a protective oily covering over the skin. So do you know small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva as well. Saliva भी आपकी excretory material को waste को pass out करती है. Correct? कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं. जैसे सबसे पहला डिसऑर्डर है अगर आपकी किडनी माल फंक्शनिंग कर रही है, जिसके लिए हम लोग हीमोडायलिसिस वगैरह कर रहे हैं, तो किडनी माल फंक्शनिंग करेगी तो वो क्या नहीं निकाल पाएगी, यूरिया. इतना झंझट हम क्यों पाल रहे थे, क्योंकि यूरिया बॉडी से निकालना था. तो यूरिया क्या हो जाएगा, धीरे 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 आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया. और जब ब्लड यूरिन में होता है, ब्लड सेल्स इन यूरिन which could be due to damage in the nephron, उसे हम क्या बोलते हैं, hematuria, we call it as hematuria, correct. और blood में यूरिया का कंटेंट ज्यादा है तो यूरेमिया, which is highly harmful and may lead to kidney failure. So in such patients urea can be removed artificially, जिसे हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसका पूरा डिटेल स्टडी कराया था मैंने हीमोडायलिसिस का, बट आपके एनसीईआरटी में वो नहीं है. डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो आप वो लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. ओके, नाउ द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं. डायलाइजिंग यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, उसकी जो मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जैंथेड, वो सेल्यूलोज जैंथेड से बनी हुई है, ठीक है. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच इज परमिएबल टू ओनली वाटर एंड यूरिया. ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोएगुलेंट लाइक हेपरिन, ताकि वहां जाके ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए, फ्लो करना है ना पाइपलाइन से. द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, वही सेलुलस जैंथेट से बनी हुई है, surrounded by a fluid, dialyzing fluid, having the same composition as that of the plasma except the nitrogenous waste. मतलब क्या बोला है, सपोज ये आपकी डायलाइजिंग यूनिट है, दिस इज योर डायलाइजिंग यूनिट DU, एंड दिस इज योर ब्लड वेसल. ओके, दिस इज योर ब्लड वेसल. ब्लड वेसल से इस डायरेक्शन में ब्लड आ रही है और DU से इस तरफ से डायलाइजिंग फ्लूइड मूव हो रही है, काउंटर कर मैकेनिज्म सेम. इसमें जितना परसेंटेज ऑफ Na+ है, सपोज 2 Na+ है, इसमें भी 2 ही Na+ रखा जाएगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन. कम हुआ तो एक्सचेंज हो जाएगा ना, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, वो मैं नहीं चाह, हम नहीं चाहते. Cl- जितना है उतना ही रखा जाएगा, ठीक है. लेकिन वाटर जितना है, ऑलमोस्ट वाटर अमाउंट भी उतना ही रखा जाता है, लेकिन यूरिया नहीं. यूरिया आपके सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट है, ब्लड में है. देखो यूरिया लेकिन प्रेजेंट नहीं है आपके डायलाइजिंग यूनिट में, तो यूरिया हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव हो जाएगा. यही तो हम चाहते थे कि ब्लड से यूरिया निकल जाए, क्योंकि किडनी नहीं फंक्शन कर पा रही थी. ओके, परफेक्ट. ओके, सो द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. Na+ का तो हायर लोअर है ही नहीं, Cl- का नहीं है, H2O का भी नहीं है, यूरिया का लेकिन है, करेक्ट. तो सेम कॉन्सेंट्रेशन सबका, प्लाज्मा में जितनी भी चीजें सबका सेम कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, बट बाकियों का नहीं. ओके, एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, जैसे यूरिया, ammonia, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding an anti-heparin. Q to restore the natural heparin content of your body, natural clot anti-clotting content. इसलिए हम उसमें anti-heparin डाल देते हैं. पहले आर्टरी से निकालते वक्त heparin डाला था, अभी डालते वक्त anti-heparin डाल देंगे. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. आपको पता है कितने लोगों को किडनी फेलियर होती है, कितने लोगों को डायलिसिस करनी पड़ती है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी आप कर सकते हो. इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर. द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर. एक फंक्शनिंग किडनी को, प्रॉपर हेल्दी किडनी को डोनर से डाला जाता है, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव. हम पढ़ते हैं ना योर ग्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हम देखते हैं, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, आइजोग्राफ्ट. करेक्ट. टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम. कौन सा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करता है? आपकी CMI, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, T lymphocyte. Modern clinical procedures have increased the success of rate of such complicated technique. कुछ और डिजीजेस हैं बच्चों, रीनल कैलक्यूली जैसे, दैट इज नथिंग बट स्टोन. किस चीज की बनी हुई होती है? क्रिस्टलाइज स्टोन, ऑक्सलेट्स की. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है. कैल्शियम ऑक्सलेट्स की बनी हुई होती है किडनी स्टोन्स. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी. आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन. करेक्ट. सो दिस इज द एंटायर आपका योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन चैप्टर. कल इसका मेगा मॉक टेस्ट होगा क्योंकि इसकी डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं स्पेशल क्लास में. फ्री स्पेशल क्लास है बच्चों, तो आराम से ये मेगा मॉक टेस्ट देने के लिए आ जाना कल 12 बजे. टुमारो एट अराउंड 12 PM यू विल बी हैविंग दिस मेगा मॉक टेस्ट ऑन स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप टुमारो 18th of December. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. पूरे अगर आपने पढ़ा नहीं, और कुछ मॉक टेस्ट मैंने आज भी लिया था, परसों भी लिया था, वो भी आप अभी भी देख सकते हो. रिकॉर्डेड सेशन होगा आपके ऐप में. प्लस कोर्स भी बच्चों मेरा चल रहा है बीट नीट का. एज यू ऑल नो, बीट नीट बैच है बच्चों, जो सारे नीट वोयाज के एजुकेटर्स की ही ये बैच है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. जूलॉजी का मैं बायोटेक्नोलॉजी फिनिश कर चुकी हूँ, बोथ द चैप्टर्स. अभी बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन करा रही हूँ, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो. उसके लिए यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन प्लान बाई क्लिकिंग ऑन प्लस नीट UG एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन. तो आपको पता है स्पेशल क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कल वाला स्पेशल क्लास है, तो आप वहाँ पे आ जाओ. ठीक है. उसके बाद डिसाइड करो आपको प्लस लेना है या नहीं लेना है. ठीक है. 6 months, 1 year या 2 year का ले सकते हो. 1 year 2 year का ज़्यादा अफोर्डेबल होता है प्राइसेस में. और आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो बाय अप्लाइंग दिस कोड, दैट इज नथिंग बट माय नेम SWAGATA स्वागता. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट पर्सनल कोचिंग मिलती है आपको, प्लस की सारी सुविधाओं के साथ साथ. आप किसी भी पर्सनल कोचिंग ले सकते हो, किसी भी एजुकेटर से, मल्टीपल एजुकेटर से, जिसमें आप पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा. जितने भी आपके एकेडमिक प्रॉब्लम्स है या डाउट्स है वो क्लैरिफाई किए जाएंगे. यू नीड टाइम टेबल, यू नीड हेल्प विद द नीट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, एवरीथिंग विल बी डन हियर. सो इसके भी 10% डिस्काउंट आपको मिलेंगे. आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट लिखा है, जो ये कोड अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा. इफ़ यू डोंट अप्लाई दिस कोड, ये थोड़ा सा बढ़ के 65,000 हो जाएगा 58 से. तो कोड पक्का अप्लाई कर लेना, 10% डिस्काउंट ले लेना. ठीक है. दिस इज द टीम ऑफ नीट वोयाज चैनल एंड आई विल सी यू ऑल अगेन टुमारो. कल मैं फिर से 7 बजे मिलूंगी, सबसे पहले 12 बजे. ओके, 12 बजे आपका मेगा मॉक टेस्ट है, याद रखना. उसके बाद आई एम गोइंग टू मीट यू 6 PM ऑन माई स्पेशल क्लास, और फिर अगेन 7 PM हम यहीं पे मिलेंगे एनिमल किंगडम के बाकी के पार्ट्स पढ़ने के लिए. ओके, सो गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू नीट वोयाज चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल. So I'm gonna see you all again tomorrow. Take care. Keep practicing. We will have a mock test tomorrow at 12 PM on free special class on Unacademy Learning app. Bye bye. Good night.